और शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि शिवसेना सड़क पर लड़ाई भी जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बागी विधायकों से बात करने का वक्त अब जा चुका है। गिव अप कर दिया है क्या आपको? ऐसा किसने कहा? अभी तक आप कह रहे थे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब चैलेंज कर रहे हैं। कोशिश किया, अब मैंने चैलेंज किया और शरद पवार कोशिश किया और चैलेंज किया, उसमें आप फर्क समझ लीजिए। अब मैं बोलता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पर आइए, अगर आपके पास बहुमत है तो हिम्मत दिखाइए सिद्ध करने की। अगर आपके पास एमएलए है और वो आपके साथ खुशी से बैठे हैं तो दिखाइए सामने आकर। लेकिन आप लोग प्यार से मना रहे हैं, माने नहीं है आपके विधायक? देखिए राजनीति में प्यार वगैरह सब बात में झूठ होता है, छोड़ दीजिए। एक आखिर सवाल आप लोग क्या फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अभी करिए फ्लोर टेस्ट, अभी करिए ना, कब करना है? पवार साहब से क्या बात? हम तो तैयार है, अभी एक घंटे में करिए फ्लोर टेस्ट। पवार साहब से क्या बात? पवार साहब पूरे तरह से इस देश के हमारे नेता है, बाला साहब ठाकरे जी के बाद राज्य के और देश के सबसे वरिष्ठ नेता है। ठीक है, कहा क्या आपसे? बहुत कुछ कहा है। देखिए तो कैमरे पर यहाँ संजय राउत कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अपने ही नेताओं को, अपने ही विधायकों को यहाँ पर वो चैलेंज कर रहे थे। अभी तक तो रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन अब चैलेंज करते हुए यहाँ पर संजय राउत नजर आए। तो भाव यह है कि याचना नहीं अब रण होगा। हमारे साथ अंकुर त्यागी लगातार बने हुए हैं। अंकुर, शरद पवार से मिलने के बाद थोड़े से तेवर बदले हैं संजय राउत ने, और अब एक तरह से चैलेंज करने की बात भी हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि बहुमत साबित कीजिए। शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप मुंबई आइए, महाराष्ट्र आइए, वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे हैं बागी विधायक? देखिए घटनाक्रम पे ही भी नजर रखनी पड़ेगी कि साथ साथ में घटनाक्रम क्या घट रहा है। अगर आप आज से 3 दिन पहले का अगर बयान सुनेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नर्म रुकता, कल तक आते आते 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे के अंदर आकर मुंबई आकर मिलने की बात कही, तब यहां तक कहा था संजय राउत ने कि हम एमवीए सरकार से अलग हो जाएंगे, और आज जो उनका तेवर है वो और थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होता नजर आ रहा है। उसके अंदर साफ तौर पर चेतावनी है कि अब आप आइए, पूरी तरीके से चैलेंज है कि आइए और बहुमत साबित कीजिए, क्योंकि इसके पीछे क्या घट रहा है? पीछे ये घट रहा है कि उन्होंने पहली तो 12, कल रात को हमने देखा था कि 12 ऐसे विधायक हैं जिसको डिस्क्वालीफाई करने की एप्लीकेशन दी थी, जिसको बड़ा कार्ड उन्होंने 16 कर दिया है और उसके ऊपर अब डिप्टी स्पीकर को फैसला लेना है। दूसरा, जो अजय चौधरी हैं उनको विधायक दल का नेता चुनने के लिए जो एप्लीकेशन शिवसेना ने दी थी अपनी तरफ से एकनाथ शिंदे को हटाकर, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी टेक्निकल पॉइंट पर, टेक्निकल ग्राउंड पर शिवसेना अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वो चाहती है कि ये जो 16 लोग हैं, 16 विधायक हैं, अगर इनको यहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और जो गट नेता है, जो विधायक दल का नेता है, वो अजय चौधरी ही बने रहे, जैसे कि ऑलरेडी स्पीकर ने अनाउंस कर दिया है। अब इस बात पर तय होंगी कि डिप्टी स्पीकर क्या फैसला लेते हैं या उन्हें फैसला लेने के कितने अधिकार हैं। इन सबके बीच लगातार जी न्यूज से जो विधायक हैं वो बात कर रहे हैं। शिवसेना के विधायक कैलाश पाटिल ने जी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। सर, ये बताइए, आप लोग जो ये नाराज विधायक हैं, गुवाहाटी गए हुए हैं, उनके संपर्क में आप लोग हैं क्या? आप लोग मनाने की उनको कोशिश कर रहे हैं? और ये बताइए, ये लोग बागी होकर गए हैं, आप लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ये लोग यहाँ से सूरत जा रहे हैं? मुझे तो नहीं थी, बाकी लोगों को जब वो बोलेंगे वही बता। उद्धव जी से जब बातचीत हुई तो आप लोगों को क्या कहा गया? वर्षा बंगले पर जो मीटिंग हुई थी सर, कुछ नहीं कहा गया, पार्टी के साथ है वो, पार्टी के साथ रहो, नहीं कहा गया। आखिर तक उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। तो ये क्या इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है सीएम साहब ने? नहीं, इमोशनल कार्ड कुछ नहीं, हमारे सीएम साहब सीधे साधे है, प्लेन है, उनको उन्होंने उस दिन बोला कि अपोजिशन वाले ने उन पर कुछ नई हम ये चाहिए सीएम साहब ऐसे बोले तो कुछ तो ये था, लेकिन इनको खुद के अपने लोगों ने ऐसा किया तो इसके लिए वो नाराज हो गए। लेकिन आप लोग उम्मीद रख रहे हैं कि ये नेता वापस आएंगे? हाँ, उतनी उम्मीद है। आप लोगों को कोई सख्त हिदायत दी गई है कि आप लोगों को भी किसी होटल में शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, अभी किसी ने हमको फ्री कर दिया है, अपने अपने कॉन्फिडेंस में काम है वो करो ऐसे बोले। और शिवसेना के बागी विधायक महेंद्र दलवी ने भी जी न्यूज से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे महासंकट के बारे में बात की।
महेंद्र जी ये बताइए, आप लोग गुवाहाटी में अभी तो हैं, लेकिन वापसी का क्या है, आप लोग कब वापस आएंगे मुंबई? उसके बारे में आज भी मीटिंग होगी आप लोगों की वहाँ पर? चालू होने लगे दो मिनट में। और क्या आप लोगों को जबरन यहाँ से वहाँ ले जाया गया था या आप अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं? हम लोग आपसे अपने मर्जी से आए हैं, कोई जबरन नहीं। लेकिन नितिन देशमुख तो आरोप लगा रहे हैं कि 21 विधायक ऐसे हैं जिनको जबरन वहाँ पे ले जाया गया है। उनको ही मालूम है, लेकिन आपने पूरा मीडिया में पूरा देख लिया, फुटेज देख लिया जी, हमारे साथ स्पेशल फ्लाइट से उनको भेज दिया है, हमारे आदमी उसको नाखुद छोड़ने गया है जी, ये कोई बात नहीं है ना, वो झूठ बोल रहा है। और आप लोग जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अभी, कितने विधायक वहाँ पर शिवसेना के हैं, कोई आंकड़ा आपके पास हो? 8 है निर्दलीय जी, और 42 है पार्टी। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप, क्यों आप लोग छोड़कर गए हैं शिवसेना और अपने गढ़ को? ये जो महागढ़ी बनी थी महाराष्ट्र राज्य में, एनसीपी के सब बड़े नेता है, वो सब पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने नहीं देते शिवसेना को, ये हमारा नेता। एक बात बताइए, आप लोग अगर सारे विधायक जो एक साथ बागी होके वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, एनसीपी के साथ आने की मुहिम चल रही है? शिंदे जी जो कहेंगे आप लोग वो मानेंगे? यस, यस, यस। और वापसी का कोई इरादा नहीं है आप लोगों का? नहीं, कोई इरादा कैसे नहीं है, आज राज्यपाल को हम लोग पूरा ये सबमिशन देंगे, बताएंगे क्या क्या नहीं है, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे? जरूर जरूर रखेंगे। आज देने वाले हैं आप लोग? आज देने वाले। ठीक है, शुक्रिया सर। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबरों को अब आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शिवसेना नेताओं से शिंदे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फडणवीस के घर पर बीजेपी की एक बैठक हुई है और उद्धव ने भी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, दूसरी तरफ गुवाहाटी में शिंदे कैंप की एक मीटिंग हुई है और संजय राउत ने कहा है कि हम हार मानने वाले नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.